भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। आप अपना नाम बताएं। अरविंद वशिष्ठ। अरविंद जी, क्या कहेंगे ये जो चाइना पर अटैक किया है हिंदुस्तानियों ने, और हिंदुस्तानियों ने अटैक करा है चाइना पर? हिंदुस्तानियों ने चाइना पर पहली बात कोई अटैक नहीं किया है, वो शांतिपूर्ण व्यवस्था के तहत इस क्राइसिस का निपटारा चाहते थे, लेकिन चाइना की उकसावे वाली नीति के कारण और भारतीय सेना के जो भी वहाँ पर सैनिक गए हैं उन्हें निहत्ते वहाँ पर भेजना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय रहा। अगर उनके पास भी हथियार होते तो वो 20 के बजाय हो सकता है एक दो का ही जान माल का नुकसान होता। नियत्ते बॉर्डर पे फ्रंट पे भेजना ये सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था का कारण बना है इसमें। वही बात करें, 20 जवान हमारे ख़त्म हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि क्या देंगे आप? उनकी श्रद्धांजलि तो पूरे देश की तरफ से और मेरी तरफ से भी उनको पूरी श्रद्धांजलि है। और सबसे बड़ा विषय, जितने भी वहाँ पर हमारे सैनिक रहे हैं वो ज़्यादातर युवा थे, जिनमें से कुछ का तो अभी विवाह ही हुआ था, उनके छोटे नवजात शिशु, उनकी पत्नी और उनके माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक संवेदनाएं और उनको नमन करता हूं मैं। अरविंद जी, आप इलेक्ट्रिकल शॉप चलाते हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से चाइना के सामान का विरोध होना शुरू हो गया है? चाइना का सामान का विरोध करना एक अलग विषय है और चाइना का विरोध करना एक अलग विषय है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत पहले ही बना लेना चाहिए था कि हमें चाइना के किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती जी। लेकिन हमारे देश की जो शासन प्रणाली है, इनका हमेशा से एक ही हो रहा है, जब तक सर पे ओले नहीं पड़ते ये तब तक अपना बचाव का नहीं सोचते हैं। अब सर पे ओले पड़ रहे हैं तो चाइना का विरोध भी नज़र आ रहा है, बाकी चीज़ों का भी विरोध नज़र आ रहा है। अगर इसको हम समय रहते पहले ही दुरुस्त कर लेते तो आज इस तरह के भाषणबाजी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। 3-4 दिन से जिस तरीके से सामान का बहिष्कार, क्या ग्राहक आ रहा है? अब ग्राहक आ रहा है क्योंकि जिसको जो सामान चाहिए वो तो लेगा ही, क्योंकि हर एक सामान में इंटरनल जो पार्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई हिस्सा उसमें चाइना का होता ही है। अगर हर पार्ट को कोई खोल के तो नहीं देखेगा कि एसी में कौन सी कंपनी का कंप्रेसर लगा है जी। चाहे वो मेड इन इंडिया भी है, उसे बाहर मेक इन इंडिया लिख देने से पूरी व्यवस्था सुधर नहीं जाती है। उस मेक इन इंडिया में भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई हिस्सा चाइना की एंट्री का होता ही है, कोई ना कोई पार्ट उसमें जरूर होता है, कोई कलपुर्जा हो, कोई कंप्रेसर हो। तो मतलब आप मानते हैं कि LED, LCD इन सब में चाइना का कोई ना कोई है? 95% हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट हो, वो कहीं ना कहीं हर जगह चाइना की एंट्री है। एक भाषण दे देना कि चाइना के वस्तु का बहिष्कार करो, अरे किसने रोका है चाइना का वस्तु का बहिष्कार करने से? आप सबसे पहले तो उसकी एंट्री बंद कर दीजिए ना, कंटेनर के कंटेनर ये कोई भारत सरकार की सहमति के बिना थोड़ी उतर जाते हैं, चाहे वो किसी भी बंदरगाह पे हो, चाहे कार्गो के द्वारा बाई एयर हो, आप वहाँ से एंट्री ही बंद कर दीजिए तो इस सवाल का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा, इस सवाल को उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ग्राहक आ रहा है लेकिन उसको भाषणबाजी तक तो ठीक है, तालियां बजाने तक तो ठीक है कि हाँ चाइना का विरोध है, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है इसमें चाइना का पार्ट है या नहीं है। जिसे जिस चीज़ की आवश्यकता है वो ले ही रहा है मेरे भाई। संख्या कम है आने की, क्योंकि पहले ही लोगों की जेबें खाली हुई हैं, अर्थव्यवस्था निढाल है, लोगों की जेब में जितना पैसा है वो उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार, जहां बिल्कुल हार्ड आवश्यकता है तभी वो मार्केट में निकल रहा है, अदरवाइज सभी व्यापारी पूरी तरह से त्रस्त हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की नीतियों के कारण हो, चाहे खराब अर्थव्यवस्था के कारण हो, चाहे लोगों की नौकरियां जाने के कारण हो, चाहे कोरोना बीमारी के कारण हो, ये सारे कारण मिलके एक हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को खाई की तरफ धकेल रहे हैं।